वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी फेस 9 का फॉर्म हम कैसे भरेंगे, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो आप कंप्लीट एंड तक देखिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए हम एसएससी फेस 9 का हम नोटिस हम डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें जाननी जरूरी है अप्लाई करने से पहले। तो चलिए हम इसे डाउनलोड करके उसके बाद हम ओपन करके देखो। हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है और इंपॉर्टेंट बातें के लिए चलिए हम थोड़ी बातें हम जान लेते हैं इसे अप्लाई करने से पहले। इसका जैसे कि आपको पता है कि इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड है और इसका लास्ट डेट जो है 25/10 रखा गया, अक्टूबर के 25 तारीख तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। वही एग्ज़ाम की बात करते हैं, एग्ज़ाम इसमें फरवरी 2022 में आपका एग्ज़ाम डेट रखा गया और एग्ज़ाम ये जो है कंप्यूटर बेस होने वाला है। और इसमें आपको अप्लाई करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको 10th पास, इंटर पास और बीए पास होना जरूरी है। और टोटल इसमें 32,000 प्लस की वैकेंसी आपको इसमें निकली है। यहाँ पे सारी चीज़ जो जानने के लिए हम लोग 85 नंबर पेज पर आते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें रीजन वाइज यहाँ पे और पोस्ट डिटेल और डिपार्टमेंट और क्वालिफिकेशन के बारे में और वैकेंसी जो है किस कास्ट में कितनी निकली हुई है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे हर एक रीजन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीजन वाइज यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे हर एक चीज़ आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं और एज आप यहाँ पे देख सकते हैं और डिपार्टमेंट के बारे में सारी जानकारी आपको इस आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा जो एसएससी ने जारी किया है। तो चलिए, ये तो रहा पूरी जानकारी। अब हम पहले फॉर्म में भरने से पहले हम बता दें कि उसमें आपको एक पोस्ट कोड की ज़रूरत होगी। आपको पोस्ट कोड आपको इसी में मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट नंबर पे आप पोस्ट कोड ये डाल सकते हैं। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए फॉर्म अप्लाई करने के चलिए अब चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पे और वहाँ पे हम आपको लॉगिन करके उसके बाद आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपने पहले से एसएससी का कोई भी फॉर्म भरा है तो आपके पास जो है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और उनका पासवर्ड होगा। उसके बाद आपको नीचे उसे कैप्चर पे फिलअप करके उसके बाद लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास है आपने पहले से फॉर्म एसएससी के किसी तरह का फ्यूचर में अगर आपने पहले का फॉर्म भरा है तो आपको उनका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड और कैप्चर करके उसके बाद लॉगिन कर लेना। अगर उनका पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा। या आप अगर नया यूजर हैं तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो चलिए, हम यहाँ पे हमारा ऑलरेडी अकाउंट है तो हम यहाँ पे लॉगिन करके आगे का प्रोसेस आपको समझाते हैं। यहाँ पे फाइनली लॉगिन कर लिया है और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई लिखे बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई का पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सारी फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगी और यहाँ पे पहले से आपने अगर फॉर्म भरा हुआ तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और नीचे आप जैसे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे पोस्ट की डिटेल के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रीजन अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो रीजन आपका जिस रीजन से आते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे सभी रीजन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे अपना पोस्ट कोड देखने को मिल जाएगा। तो पोस्ट कोड आपको नोटिफिकेशन में आपको जो है पोस्ट नंबर में आपको पोस्ट कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसी पोस्ट कोड को आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे सारी पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन है। मैं एग्जांपल के मैं एक पोस्ट कोड को ले लेता हूँ और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ। उसके बाद नीचे आपको जो है अपना सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जिस सेंटर आपके एग्ज़ाम के अगल बगल आप यहाँ पे सेंटर उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के मैं एक सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, हमारे नज़दीकी जो सेंटर है मैं हम यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट कर लिया है और नीचे पर स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आर यू एग्ज़ाम सर्विस मैन ऑफ द आर्मी फोर्स, क्या आप पहले किसी आर्मी फोर्स में किसी तरह का आपने अगर लाभ लिया है तो आपको यस या नो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसे नो रहने देते हैं। अगर आप यस सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको नीचे ये सारी चीज़ें आपको भरनी होगी, तो आप इसे नो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे 24 नंबर पे आपको यहाँ पे आर यू सीइंग एज रिलेक्शन, तो आपको यहाँ पे आपने एज में किसी तरह का आपको अगर छूट चाहिए, अगर आप ओबीसी में आते हैं SC ST में आते हैं, अगर आपका एज हाई हो गया है तो आपको यहाँ पे यस आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने आपके पास अगर पहले से अगर आप में एज में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको इसे नो रहने देना है। तो हम इसे नो रहने देते हैं। उसके बाद
आप जैसे अगर यस कीजिएगा तो आपको जो है यहाँ पे एज डिटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे आपको पोस्ट के डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो क्वालिफिकेशन का पोस्ट है आपको यहाँ पे सारे चीज़ देखने को मिल जाएगा, आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आप जैसे स्क्रॉल कीजिएगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 26 नंबर पे डिटेल ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस, आपको अपने वर्क का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आपको इसे जो है वर्क एक्सपीरियंस आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं या फिर आप इसको मेंशन छोड़ सकते हैं। मैं इसे बाय द वे मैं इसे छोड़ देता हूँ, छोड़ दीजिएगा तो कोई आपको प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम इसे हम छोड़ के उसके बाद आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं। उसके बाद आपको सबसे नीचे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो में अब में आपका जो है डेट मेंशन होनी चाहिए और ये जो 20 से 50 के बीच में होने चाहिए जेपीजी इमेज में। तो चलिए हम फोटो यहाँ पे एक अपलोड करके उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सिग्नेचर के भी बात करें तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर 10 से 20 के बी का होना चाहिए और आपको इसको भी अपलोड कर देना है। उसके बाद जैसे आप इसे अपलोड कर लीजिएगा तो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इसको आपको जो चेक बॉक्स में यस आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे जैसे कि गाइज मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स पे ये सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है और सारी टर्म कंडीशन को आपको यहाँ पे आई एग्री करके उसके बाद कैप्चा फिलअप करके उसका प्रीव्यू कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। प्रीव्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जो है कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। उसके बाद नीचे आपको फाइनल सबमिट के लिए इसी तरह की दिक्कत के लिए आपको यहाँ पे एडिट मॉडिफाई पर क्लिक कीजिएगा तो आपने किसी तरह का गलती किया है तो आप इसे सुधार लीजिएगा। आप फाइनल सबमिट के लिए आपको डायरेक्ट सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो मैं इसे फाइनल सबमिट करके उसके बाद आगे का प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने फाइनल सबमिट कर दिया है तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फाइनल सबमिट हो गया है। अगर आप एससी एसटी और जनरल और ऑल फीमेल कैंडिडेट आते हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म फी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने इसे फाइनल सबमिट किया तो इसे फॉर्म फी देखने को हमें नहीं मिला है। प्रिंट आउट करने के लिए हम फिर से यहाँ पर लॉगिन कर लिए हैं और यहाँ पर प्रिंट लिखे हुए बटन पर क्लिक करके उसके बाद हम अपना प्रिंट आउट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आई होप कि सारी जानकारी आपको बहुत हेल्पफुल लगी है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी तरह की क्वेरीज के लिए आप हमें इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।